हे hey गाइस, कैसे आप सब। नमस्कार, मेरा नाम शंकर है, इसका नाम सौरभ है और सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन बॉयज। बोलो भाई आगे कुछ। तो हमारे सबसे पहले बात, सब खैरियत से रहे। वो सुना है वैक्सीन वगैरह आ चुकी है। हाँ, पता नहीं आ रही है सबको, चक्कर पता नहीं, पता नहीं आ रहा हमें, नहीं बोलो ना, ठीक है। नहीं यार, जरूरी नहीं है सबको वैक्सीन लगाना, ये वो जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो डॉक्टर्स है मेरे ख्याल से उनको लगाना चाहिए। हाँ, और उनको सबसे पहले उन्हीं के लिए है मेरे ख्याल से। तो जो भी है वैक्सीन के बाद से अलग होते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि गॉसिप गुरु, मतलब गॉसिप गुरु है क्या, सच्ची बताएं। और इस वीडियो को जब आपने हमें मैसेज किया था तो हमें लगा कि यार आपने मैसेज तो कर दिया, लेकिन यार काफी पहले इनका बर्थडे निकल चुका है सरताज खान जी का, और उन पे ब्लॉग बनाया है गॉसिप गुरु ने। हम इनको पहले ही देख लिया था, लेकिन काम की वजह से हम रिएक्शन नहीं दे पा रहे, जैसे कि वीडियो हमारा अपलोड हो नहीं रहा था। ठीक है, तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन आपने मैसेज किया एक बार किया, हमने सोचा कि यार एक बंदे ने कराए यार, लेकिन काफी पहले निकल चुका है बर्थडे, तो ठीक रहेगा देना। फिर हमने डिसाइड करा कि भाई दो तीन कमेंट तब तक और आ गए थे, तो हमने चलो भाई देते हैं, देखना ना देखना आप पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो गो। हाय व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप लोग व्लॉग्स देखते रहते हैं और फीडबैक आप लोगों का बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ डिफरेंट व्लॉग, क्योंकि आज जन्मदिन मना रही हैं, सालगिरह मना रही हैं द वन ओनली सरताज खान। अस्सलाम वालेकुम सरताज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई। सबसे पहले तो ये बता दें कि सरताज जो है कितने साल की हो गई है, लाइक 15 की हो गई है, 12 की हो गई है? 22 years। रियली भाई सरताज, आई थिंक यू आर लुकिंग ओनली 20। बट मैं 22 years, मैंने अपनी एज को ज्यादा बताती हूँ ना, कम बताती हूँ, जो है वही है भाई। बहुत मजा आया, ये बताइए कि आपके लिए सरप्राइज था, ये आपकी ममा ने आपको ये सरप्राइज दिया या आपने खुद बर्थडे सेलिब्रेट किया, इसको बताएं। सरप्राइजेस तो मुझे दो मिल चुके थे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से, तो ये मैंने खुद अरेंजमेंट की, क्योंकि मैंने बोल्ड टैलेंट जो मेरी फैमिली उनके साथ नहीं किए थे सेलिब्रेट, तो मैं चाहती थी कि सबके साथ मैं सेलिब्रेशन करूँ, तो इसलिए मैंने ये सब ऑर्गेनाइज किया। सरताज ने अपने बर्थडे में कौन कौन से सोशल मीडिया स्टार्स को बुलाया, जरा जल्दी जल्दी बताइए। बढ़िया है ना, बीच से काले काले इस साइड से पूरी फैमिली आई है मेरे पास, और क्या नाम है, खुश रहो पाकिस्तान से कंटेस्टेंट्स आए हैं, और हमारी जो बोल्ड टीम की प्रोडक्शन है वो सारी आई है। और उनके फर्स्ट फ्लोर पे रिएक्शन लेकर आ रहे हैं। सरताज को अभी तक सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है, सरताज ने देख लिया या नहीं देखा अभी सब पैक है गिफ्ट वगैरह? सारे पैक है, मैंने कोई स्पेशल गिफ्ट अभी तक देखा नहीं, घर जाऊंगी ऑब्वियसली, अभी थकी हुई हूं तो घर जाके। अच्छा सरताज, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी ये बताइए। फैन से ये कहना चाहूंगी कि यार मुझे आप लोगों के साथ भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, बट ये हुआ कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, तो लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। सरताज देखिए, season 4 तो खत्म हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग अभी भी लोगों के दिलों में चैंपियंस हैं। सरताज का नाम लोगों के दिलों में है कि सरताज चैंपियन है। सरताज season 5 में नहीं पता कि सरताज खान होगी या नहीं होगी, तो सरताज क्या कहना चाहेगी season 5 के लिए? अनफॉर्चुनेटली बोल दिया उन्होंने, अगर मैं नहीं हुई तो जो न्यू प्लेयर्स होंगे या जो उसमें होंगे उनके ऑल द बेस्ट। और दूसरी बात, अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है बोल्ड टैलेंट के ऑफिशियल पेज पे बहुत सारे वोट करने हैं यूट्यूब पे, जो वोटिंग की जाती है, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे वोट करने हैं और आपने अपनी टीम खुद चुननी है। तभी तो उन्होंने चैंपियंस में और लाइकर्स में रखा था, जिस वजह से लाइकर्स चले गए। ओके सरताज, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया, आप जाइए पार्टी एंजॉय कीजिए, हम बाकी कंटेस्टेंट से बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सरताज खान के साथ, और आपको एक दफा पूरा व्यू में दिखाता चलूं। बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट है, खाना बहुत अच्छा है, मैंने बस थोड़ा सा खाया, अभी जाके खाना है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, केक भी बड़ा मजे का था। और अभी मैं लाइक यहाँ पर मौजूद हूँ बेसमेंट में, बाहर जाएंगे वहाँ पे जितने भी और कितना कितना ठूस लिया है इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अस्सलाम वालेकुम यार, मतलब आप लोग बातों में इतने मसरूफ है कि आपको पता ही नहीं कि आप लोगों का व्लॉग बनने वाला है। अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ये बताइए किसने बुलाया आप लोगों को, मतलब आप कहीं भी चले जाते हैं, ये क्या बात हुई? कहीं पे भी नहीं जाते क्या? और हमारी टीम तो आपको इनवाइट तो किया नहीं है सरताज ने? आराम से। अच्छा अच्छा, बोलो आपने सरताज को क्या गिफ्ट दिया? दिया भाई, गिफ्ट तो मैंने दिया है गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी है ना, तो
दिखाइए जरा, दिखाएं कैमरा, घुमाएं जरा बैंड कैमरा, कौन कौन खड़ा है यहाँ पे, ये इनसे बाद में बात करते हैं, इनसे बाद में बात करते बारी बारी से करूँ, मजाक में बोलना भाई ऐसा सीरियस ना लेना, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं, मैं समझ गया हमारे साथ शताज खान की सिस्टर मौजूद है, क्या नाम है आपका? उशबा खान। अच्छा आपके नाम का मतलब क्या है उशबा खान? जन्नत की खुशबू। ओह माय गॉड, आई एम वेरी लकी बिकॉज जन्नत की खुशबू हमारे साथ खड़ी है और शताज की बहन है, जरा ये बताइए आपने क्या किया? हां लग भी रही है ना, लग भी रही है। आपने शताज खान को कोई गिफ्ट नहीं दिया? कैसी छोटी बहन है आप, आपको तो पहले देना चाहिए, छोटी बड़ी है। अच्छा ये बताइए, मुझे पता है बहनें ऐसी होती है, उनको जो मिला हुआ उन्होंने ले लिया होगा। सोशल मीडिया स्टार्स आपकी बहन की पार्टी पे मौजूद हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइए। ओके अच्छा, हमें मिलके बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, हमें आपसे मिलके बहुत मजा आया। अच्छा जी ये बताइए कि सीजन 4 खत्म हो गया, आपकी बहन अनफॉर्चुनेटली इस बार लाइक चैंपियंस नहीं बन सकी, फाइनल नहीं जीत सकी, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये तो सिर्फ गेम था। ओके कोई जीते कोई हारे, जीते या हारे आपको अपनी बहन से प्यार है। ओके जी थैंक यू सो मच, और अब हम बात कर लेते हैं लारिब से, लारिब इधर आइए जरा, और लारिब से हम बात ना करें ऐसा हो सकता है क्या? हाँ लारिब से हम बात करें ना करें ऐसा हो सकता है क्या? जी लारिब, अब ये मुझे जरा बताइए कि आपने क्या गिफ्ट दिया शताज को? मैंने सुना डायमंड का कुछ सेट बेड बनवाया था आपने। वैसे अल्लाह मेरी इतनी हैसियत करे तो मैं डायमंड में दूंगा, उससे बढ़ के नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, मेरे लिए बहुत मेरी गिनती दोस्त है। ओके मैंने इसके लिए क्योंकि हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न गर्ल है तो मैंने इसके दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। क्या बात है भाई, ये बताइए इसके अलावा लाइक तमाम कंटेस्टेंट मौजूद है, खाने में क्या क्या खा लिया? मैंने तो सुना है तुमने पत्नी 10-12 प्लेट्स बिरयानी की खा ली है, पराठे खा लिए हैं, पराठे खा लिए हैं, और पत्नी क्या क्या खा लिया? मुझे लगता है कैमरे में ये भी ठंडा रिकॉर्ड कर लिया हुआ इन्होंने। मैंने सैंडविच खाया, आज को मैं विश कर चुका हूँ बाय द वे, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि शताज है ना, है ना और चैंपियंस रहेंगे, और जब तक है जान तब तक दोनों को मेंटेन कर रहे हैं, इधर देख के बोल रहे हैं तो इधर देख के बोल रहे हैं। शताज को, शरोज भाई शताज को जन्मदिन है ना उसका, मुझे अभी पता चला। अरे शताज हैप्पी बर्थडे भाई जान, गिफ्ट क्या दिया आपने? मैंने ये कह रहा, मुझे लगता है ऐसे उठ के आ गए कुछ नहीं मतलब ही नहीं कहने किसको जाएंगे, मजाक में बोल रहे हैं पता है। अच्छी बात ये है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हो और इस दफा आप हार गए अनफॉर्चुनेटली, और ये कि आप यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा ई मेल मतलब ऑफिस का काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑफिस है आपका। तो भाई करने से नहीं ऑफिस काम, नहीं हम पार्टी में करेंगे कभी ऐसा, तकरीबन एक सोने की अंगूठी, हल टाइम होगा, अर्जेंट होगा, कुछ चेक दिया है और 10,000 कैश बात है। ओह माय गॉड इट्स अमेरिकन डायमंड, तो जल्दी से कुछ बोलने शताज के लिए, जल्दी से जल्दी से भाई पैसे वाले पार्टी है, रेड लिपस्टिक लगाएगा।
कब का निकल गया भाई, अब तू रिश्ते करके कोई नहीं यार। ओके जी, थैंक यू सो मच। और मिल जंगी जल्दी से इधर आ जाइए, मिल जंगी मिल जंगी मिल जंगी जल्दी मिल जंगी, टाइम नहीं है, मिल जंगी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से शताज को पिच करते हैं जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तमाम कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद है, तमाम कंटेस्टेंट आए थे, बहुत मजा आया, खाना पीना हुआ, फुल एंजॉय किया। और जल्दी से मेरे इस लाइक व्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, आप तमाम लोगों के साथ बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये थी हमारी, सो गाइस ये थी वीडियो, देख लिया आपने और हमने भी देख लिया। तो इसके अंदर ना पूरा प्रोफेशनल क्लिप की तरह उन्होंने बनाया था, जैसे कि एक होते हैं ये नए नए, हम जैसे जैसे बनाए तो ऐसे वैसे बना देंगे, लेकिन ये कहते हैं ना सिंसियरिटी के, बिल्कुल डिटो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे एक एक चीज को बता रहे थे, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल, मतलब कितने कितने दिन से बोलते आ रहे भाई, मतलब कब से बोल रहे हैं प्रोफेशनल, अभी इसका तरह पता नहीं दे भाई कैसे क्यों बोल रहे हैं, बता। तो जैसे वो ब्लॉगर्स है, जैसे भाई मैं यहाँ आया घूमने, मैं वहां आया घूमने, जो जिस बताने का तरीका, भाई देखो इस तरह से आप जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा फेस पे पूरा रहता है, हल्का सा भी मजाक नहीं आता है उनके फेस पे, या फिर स्माइल, मतलब कि वो वाली स्माइल, बेवकूफी वाली स्माइल, मतलब कि पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप गलत मतलब मत निकालना भाई इसका, प्लीज गलत मतलब मत निकालना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, छोड़ो यार आप समझ गए होंगे भाई, इसके कहने का मतलब है कि एक होता नहीं कि हम बनाते तो हंसते रहते हैं, एक होता है थोड़ा सा मतलब एक फेस ऐसे टाइम पे रिएक्ट करना जहाँ पे रिएक्शन की जरूरत होती है। हाँ, नहीं मेरा वैसे जैसे हम पहली बार कोई बनाएगा तो थोड़ा डरेगा या फिर बोलने डरेगा, क्या क्या बात करते हुए, मतलब संगर का मतलब ये था कि बात करते अगर हम बनाएंगे ना तो बात करते हम हंसेंगे कुछ उलझुल कर देंगे, प्रोफेसर कभी नहीं हंसा, जहाँ वैसे हंसेंगे, एक एक सवाल पूछ रहे थे रिपोर्टर की तरह, मुझे लगता है गॉसिप के साथ बात, गॉसिप गुरु, मतलब ये मुझे लगता है गॉसिप गुरु, हाँ चैनल का बोल रहे, मुझे ये लगता है कि ये ना न्यूज चैनल की तरह है मेरे ख्याल से, हाँ है ना सर, आपने ये कर लिया, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हमने थोड़ा सा मिस इसमें ये किया कि हुसैन भाई या फिर माज भाई को ब्लॉग की तरह हमने इसमें थोड़ी सी मस्ती मिस करी हल्के से भाई, हाँ लेकिन हमें रूठी बोलो भाई, रवि का खान माज भाई नहीं दिखे ना इसमें, हाँ यार माज भाई तो नहीं दिखे ना, हुसैन भाई वो तो आ जाते हैं, वो दारी भाई और वो शायद कुछ काम होगा या फिर जो भी है, नहीं नहीं मैं उनकी ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, जो ब्लॉग बनाते हैं जैसे वो थोड़ा सा ना वो मस्ती मिस कर गए हम इसके अंदर, हाँ सही बात है, मार्च बात हो जाता है, लेकिन ये भाई पूरा अपने काम की पड़ती, मुझे लगता है कि अगर ये ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाए ना, हाँ ट्रैवलिंग ब्लॉग अब याद आए ना, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह बनाए ना तो बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं भाई कि किस किस तरह का आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बोले कुछ आप नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके जाना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखता।